आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे चैप्टर 8, इसमें है एक्सेसिंग सिटीजन सर्विस इन राजस्थान, या राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच। इसमें सबसे पहला आता है सिंगल साइन ऑन सुविधा। राजस्थान सरकार ने सिंगल लॉग इन इंटरफेस के माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की ई सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एकल एकल पहल है, जिसे SSO या सिंगल साइन ऑन सुविधा के नाम से जाना जा सकता है। इसमें SSO का प्रयोजन यानी SSO का पर्पज, एक व्यक्ति एक पहचान, राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज। दूसरा है सेवा प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों और अल्पनामाओं की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की डिजिटल सेवा तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस। इसमें हम बात करते हैं नागरिक के लॉगिन का निर्माण यानी क्रिएशन ऑफ सिटीजन। राजस्थान के हर एक नागरिक जो ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, आवेदन स्थिति ट्रैक करना चाहते हैं, SSO लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा SSO.rajasthan.gov.in/register और ओपन करना होगा, जैसा कि हम अभी इसके स्क्रीनशॉट इसमें बताएंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जैसे वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। उसके पास में आपको बेल दिखाई देगी, बेल पे जैसे क्लिक करोगे आप तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑल सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दें। इससे आगे जो हम वीडियो भेजेंगे, चाहे पेपर संबंधित हो, चाहे मोस्ट क्वेश्चन हो, चाहे कंप्यूटर कोर्स संबंधित हो, वो आपको आसानी से मिल सकती है। जैसा कि हमने बताया था SSO.rajasthan.gov.in/register, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह पेज विभिन्न वर्गों जैसे नागरिक यानी सिटीजन, बिजनेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अलग अलग पंजीकरण विकल्प प्रदान करता है। जैसे सबसे पहला हम बात करते हैं सिटीजन, दूसरा है भामाशाह कार्ड, यानी हम कैसे किससे लॉगिन कर सकते हैं। हम भामाशाह कार्ड से पंजीकरण कर सकते हैं, हम आधार कार्ड से पंजीकरण कर सकते हैं, हम फेसबुक आईडी से पंजीकरण कर सकते हैं, हम गूगल से पंजीकरण कर सकते हैं, हम उद्योग के आधार से भी पंजीकरण कर सकते हैं, व्यापार पंजीकरण नंबर का उपयोग कर भी पंजीकरण कर सकते हैं, या सरकारी कर्मचारी हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नंबर है उससे भी आप पंजीकरण कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल हम आधार से पंजीकरण कर रहे हैं, आधार नंबर जैसे डालेंगे उसमें तो वो आपसे OTP मांगेगा, मोबाइल में जो OTP आएगा OTP नंबर डाल दो, उसके बाद में वैलिडेट OTP पे क्लिक करें, उसके बाद में आपका ये SSO ID कंप्लीट हो जाएगा और यूजर नेम और पासवर्ड डाल के उसको ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने लिए उपयुक्त पंजीकरण विकल्प चुन सकते हैं, जैसे आधार कार्ड से भी ले सकते हो आप भामाशाह कार्ड से भी ले सकते हो, आप फेसबुक आईडी से भी ले सकते हो, आप जीमेल से भी ले सकते हो। उसमें आपसे एक नाम पूछेगा और यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर पूछेगा। हम उसमें जैसे कि हमने बताया आपको आधार कार्ड से लॉगिन करना, आधार कार्ड जैसे वेरीफाई होगा तो उसमें ऑटो नाम आ जाएगा, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप वह नाम भी रख सकते हो। नीचे फिर आपसे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दो पूछेगा, पासवर्ड कंफर्म पास को रिपीट कर दो और मोबाइल नंबर जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हैं। नीचे पूछेगा आपसे ईमेल ID तो अपन ईमेल ID भी डाल सकते हैं, उसके बाद में रजिस्टर पे क्लिक कर दें। अब हम बात करते हैं अवेलिंग सिटीजन सर्विस यानी नागरिक सेवाएं प्राप्त करना। इसको हमने चार भागों में बांटा है। पहला, इमित्रा सर्विस थ्रू वेब पोर्टल, मीन्स वेब पोर्टल के माध्यम से इमित्रा सेवाएं। दूसरा है भामाशाह स्कीम यानी भामाशाह योजनाएं। तीसरा, राजस्थान संपर्क, और चौथा है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी EPDS, ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस तरह का अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया है, इसके बाद में वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं,
जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बिजली पानी के बिल का भुगतान, यानी नागरिक ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन बिल का भुगतान SSO लॉगिन करके कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है। इसके बाद में ई मित्र के द्वारा अप्लाई फॉर बोनाफाइड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। आमतौर पर यह प्रमाणित करने के लिए वह व्यक्ति राज्य का मूल निवासी है, सरकार द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह सर्विस भी ई मित्र में ही प्रोवाइड होती है। ई मित्र में रोजगार विभाग में पंजीकरण भी कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। एक नागरिक रोजगार विभाग में पंजीकृत हो सकता है। यह सर्विस ई मित्र के द्वारा ही होती है। ई मित्र से पेइंग एडमिशन फीस इन यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी की फीस भी आप जमा करा सकते हो। इसी प्रकार ई मित्र से और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो हम ई मित्र के द्वारा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं भामाशाह स्कीम। भामाशाह कार्ड के लिए ऑनलाइन नामांकन। भामाशाह कार्ड नामांकन एनरोलमेंट ई मित्र के योग्य और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से नागरिक द्वारा स्वयं सेल्फ किया जा सकता है। नागरिक का पंजीकरण। नागरिक पंजीकरण के लिए bhamasa.rajasthan.gov.in को खोलें। वर्टिकल स्लाइड बार का प्रयोग करके सेक्शन तक पहुँचे जहाँ भामाशाह नामांकन या एनरोलमेंट लिंक दिया गया है। उपयोगकर्ता यूजर को नागरिकों के लिए भामाशाह ऑनलाइन पोर्टल पर स्थानित कर दिया जाएगा। सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक विवरण दर्ज करें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसमें हम सिटीजन एनरोलमेंट कर सकते हैं, रसीद प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंटिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं यानी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं और हमारे कार्ड की जांच कर सकते हैं, चेकिंग कार्ड स्टेटस यानी कार्ड आया या नहीं आया। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क शिकायत दर्ज करना, यह हम पहली बात कर चुके हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निवासियों को सर्वप्रथम SSO पोर्टल में अपने SSO ID पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होता है। आइकन में दिखाई गए डैशबोर्ड के से राज संपर्क आइकन पर क्लिक करें। SSO पोर्टल आपको राजस्थान संपर्क पोर्टल को स्थानित कर देगा। वहां जाके हम शिकायत कर सकते हैं, शिकायत की स्थिति देख सकते हैं, शिकायत के बारे में फीडबैक भी भेज सकते हैं। इसी प्रकार चौथा ऑप्शन है हमारा ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी EPDS। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए जरूरी बंदोबस्त करने तथा जरूरतमंद नागरिकों के बीच सस्ती कीमतों पर अनाज वितरण के उद्देश्य के साथ विकसित की गई है। राशन कार्ड का विवरण ढूंढना यानी राशन कार्ड का विवरण ढूंढने के लिए हमको सरल चरण फॉलो करने होंगे। जैसे पहला http://food.raj.nic.in वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ के माध्यम से ब्राउज करने के लिए ऊर्ध्वाधर स्लाइड बार का उपयोग करें और व्यू डिटेल ऑफ राशन कार्ड एंड राशन डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करें। इसके बाद में हम राशन कार्ड के आवेदन की तिथि का ट्रैक कर सकते हैं एंड ट्रैकिंग एप्लीकेशन स्टेटस। उसके लिए आपको food.raj.nic.in पर ही जाना होगा। राशन कार्ड एप्लीकेशन स्थिति चेक कर सकते हैं, राशन UID फॉर्म नंबर का चयन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारी नागरिक सेवाएं प्राप्त करना, यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर 8 एक्सेसिंग सिटीजन सर्विस इन राजस्थान। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को वीडियो वॉच के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना सा है, आज के टाइम में बुक्स पढ़ने के बजाय हर व्यक्ति क्वेश्चन सुनना ज़्यादा पसंद करता है।
यदि आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट्स जल्दी याद हो जाएंगे। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं बुक्स को शॉर्ट रूप में आपको प्रस्तुत कर सकें। इसके अलावा आगे मोस्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट पेपर है, और भी कोई गाइड है वो हम आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो देखनी हो तो sisitjaipur.com/video_gallery.php या sisit.qsfind.com पर भी जाके देख सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाली वीडियो आपको ऑटो मिल जाएगी। यदि आपका या अपने परिवार में या और अपने रिलेशन में किसी का एग्जाम हो या होएगा तो उनके लिए लाभदायक रहेगी। एग्जाम से पहले हम मोस्ट क्वेश्चन भी भेजेंगे और हो सका तो मोस्ट पेपर भी आप तक उपलब्ध हो सकता है। उसके लिए नीचे आप देखेंगे सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ग्रे कलर में बदल जाएगा और लिखा हुआ जाएगा सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। जैसे सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा उसके पास में आपको बेल भी दिखाई देगी। बेल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें तीन ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है ऑल, उस पर क्लिक करेंगे तब भी हम आपको वीडियो भेजते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और उसमें आपको हेल्प मिल सके। धन्यवाद सभी मित्रों, धन्यवाद।